हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूथ ट्रेंड चैनल में। बॉलीवुड में अक्सर हीरो को पसंद किया जाता है। पिछले कुछ समय में बॉलीवुड में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। अब लोग हीरो से ज़्यादा विलेंस की परफॉर्मेंस पसंद करने लगे हैं। फिल्म फोर्स में विद्युत जामवाल इसके ताज़ा उदाहरण हैं। वैसे आज हम आपको ऐसी कुछ बेहतरीन विलेंस और उनके बेटों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहले नंबर पर हैं एमबी शेट्टी के बेटे रोहित शेट्टी। 80 और 90 के दशक में एमबी शेट्टी ने बहुत ही बेहतरीन रोल किए थे। एमबी शेट्टी एक स्टंटमैन और विलेन रहे हैं। आज इनके बेटे रोहित शेट्टी अपने आप में एक बड़ा नाम बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं डेनी डोनजोंगपा के बेटे रेंजिंग डोनजोंगपा। मशहूर विलेंस की बात हो और डेनी डोनजोंगपा का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेनी बॉलीवुड के मशहूर विलेंस में जाने जाते हैं। डेनी के बेटे रेंजिंग डोनजोंगपा भी बहुत टैलेंटेड हैं। रेंजिंग को आप जल्द ही बॉलीवुड फिल्मों में देख सकेंगे। वो बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी में हैं। तीसरे नंबर पर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर। खलनायक वाले रोल के साथ कॉमेडी रोल्स मिक्स करने वाले बेहतरीन कलाकार शक्ति कपूर को तो आप जानते ही होंगे। उनके द्वारा किए गए रोल आज भी हिट हैं और लोग बार बार उनके रोल देखने के लिए पुरानी फिल्में देखते हैं। शक्ति कपूर की तरह ही उनके बेटे सिद्धांत कपूर भी बहुत टैलेंटेड हैं और वो फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई से डेब्यू कर चुके हैं। चौथे नंबर पर अमजद खान के बेटे शादाब खान। फिल्म शोले के गब्बर सिंह का रोल तो कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता है। इस फिल्म में अमजद खान का रोल इतना बेहतरीन था कि उस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अमजद के बेटे शादाब खान ने भी बॉलीवुड में हाथ आजमाया मगर उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जो उनके पिता को मिली थी। पांचवें नंबर पर गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर। बॉलीवुड में गुलशन ग्रोवर को बैडमैन के नाम से जाना जाता है। खलनायकों में गुलशन ग्रोवर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। उनके बेटे का नाम संजय ग्रोवर है और वो एक बिजनेसमैन है। छठे नंबर पर आते हैं रजा मुराद के बेटे अली मुराद। खूंखार विलेन के किरदार निभाने वाले रजा मुराद को भी बेहतरीन एक्टर माना जाता है। हाल ही में उन्हें फिल्म पद्मावत में देखा गया था। रजा के बेटे अली मुराद ने लंदन के एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है और वो बॉलीवुड के लिए एकदम रेडी हैं। सातवें नंबर पर हैं मैकोहन के बेटे विक्रांत मेकीजन। अब गब्बर के सांभा को ही देख लीजिए, इनका नाम मैकमोहन है और मुंबई क्रिकेटर बनने आए थे। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज मैकमोहन एक जाना पहचाना नाम है। उनके बेटे विक्रांत मेकीजन भी अब फिल्मों में काम करते हैं। आठवें नंबर पर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल। दिलीप ताहिल को बॉलीवुड के अच्छे विलेन में से एक माना जाता है। उनके बेटे ध्रुव ताहिल लंदन में एक मॉडल हैं। नौ नंबर पर आते हैं कबीर बेदी के बेटे अदम बेदी। कबीर बेदी को बॉलीवुड का हैंडसम विलेन माना जाता है। इन्होंने लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता बटोरी थी। कबीर बेदी के बेटे अदम बेदी भी बहुत हैंडसम हैं और वो पेशे से एक इंटरनेशनल मॉडल हैं। दसवें नंबर पर अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी। बॉलीवुड में अमरीश पुरी जैसा बेहतरीन कलाकार शायद ही कोई बन पाए। आज भी उनके जैसा एक्टिंग कोई नहीं कर पाता है। वो फिल्मों में भले ही विलन बनते थे मगर वो एक अच्छे इंसान थे। अमरीश पुरी का बेटा राजीव पुरी एक मरीन नेविगेटर के रूप में काम करते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।